ये जो प्लेफुल सा मंकी मेरे साथ लेटा हुआ है ना, ये हमारे यहाँ पालमपुर से आया है। इसकी कहानी थोड़ी सैड है। इसको किसी ने एक ब्रीडर से डिस्काउंट पे ले लिया क्योंकि इसके पैर में थोड़ा सा डिफेक्ट था। आगे जाके वो डिफेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया, इससे चला नहीं जा रहा था, तो वो इसको ब्रीडर के पास वापस ले गई। भाई ब्रीडर ने कहा कि देखिए ठीक है, मैं आपको आफ्टर सेल सपोर्ट दूंगा, इसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, इसका पैर कटवाना पड़ेगा, पर मैं इसको रख नहीं सकता क्योंकि ये डिफेक्टेड पीस हमारे यहाँ से नहीं बिकेगा। तो जिन्होंने इसको ख़रीदा था वो भी बिदक गई। उन्होंने कहा कि भाई हम भी तीन पैर वाला कुत्ता नहीं रखना चाहते, और इस करके अब ये हमारे यहाँ है। इसके पैर की कल एम्प्यूटेशन होगी, तो आज आप आखिरी बार इसको चार पैरों के साथ देख रहे हैं। इसके लिए कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप ही का नाम शत प्रतिशत इसको दिया जाए, तो बड़ा आसान तरीका, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आज एक और एनिमल रिलीज हो रहा है हमारे यहाँ से, नहीं चैतन्य नहीं हो रहा, भूंदू रिलीज हो रही है। इसको यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैगेट वुंड था, पर अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है, एकदम ठीक हो गई है। बहुत ओल्ड है ये, इसकी वजह से हम इसकी स्टरलाइजेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ओल्ड डॉग्स में सर्जरी करने से। बहुत सारे लोग यशोदा और काना का अपडेट मांग रहे थे, इनको आज क्लिनिक में रखा हुआ है क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, तो हमने हीटर ऑन किया हुआ है ताकि इनको ठंड ना लगे। हाय काना। ये काना गोप्रो पकड़ने की कोशिश करता है, आपको बहुत जल्दी पीपल फार्म का एक नया व्लॉगर दिखने वाला है। काना हेलो भी करता है, ये गुड बॉय। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी किटन थी जिसका नाम हमने रेखा रखा था। 32 मील से उसको और उसके भाई बहनों को हम लेके आए थे, बिना माँ के बच्चे थे वो। अफसोस उसके भाई बहन तो नहीं बच पाए थे, लेकिन रेखा बहुत हेल्दी थी और बहुत अच्छे से बढ़ रही थी और बहुत ही क्यूट हो गई थी। गुड न्यूज़ ये है कि वो दिल्ली में सिमरन जी के पास अडॉप्ट हो गई। अभी हम लोग पैकअप करके जाने वाले थे, इतने में एक रेस्क्यू हमारे पास आया। ये बच्चा रेत से आया और इसके गर्दन के ठीक ऊपर बहुत बड़ा मैगेट वुंड है। इस डॉग के लिए मुझे दोपहर में कॉल आया था बनोई से, स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट के लिए भेजा तो था लेकिन डॉग भाग गया। फिर कुछ देर बाद रेत से कॉल आया कि मेन मार्केट में वो डॉग काफी देर से उनके सामने बैठा है और ये लोग बहुत इजीली इस डॉग को यहाँ पर अभी लेकर आए। बहुत ज्यादा बड़ा मैगेट वुंड है और काफी पुराना नजर आ रहा है क्योंकि जितनी स्मेल है पूरा पस भरा हुआ है ऊपर। ये डेफिनेटली शायद किसी का पेट रहा है क्योंकि इसकी पूंछ की भी डॉकिंग की गई है। और यूजुअली क्या होता है कि लोग अपने डॉग्स को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उनकी पूंछ या कान काट देते हैं। ये अच्छी बात है कि कुछ पोर्शन जो है हील्ड है, हो सकता है किसी ने ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी हो। आई होप ये किसी का भागा हुआ कुत्ता हो। हाँ। और वो इसका वीडियोस वगैरह देख के कोई कॉन्टेक्ट करे इसके लिए। घंटी हमारे पास चंबा से एक डॉग आई थी, गले के ठीक नीचे 3.5 किलो का एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। उसकी सर्जरी भी हो गई थी और वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जो उसके केयर टेकर्स थे वो खुद आए हमारे पास फार्म में और वो उसको लेकर गए। मैं तो किचन के बाहर मंडराती रहती हूँ जब हमारी कोई न्यू रेसिपी बना रही होती है शिवानी। हमारी रेसिपी आने वाली है वीगन बटर की। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे, उनका एक सवाल था कि पीनट बटर फॉर डॉग्स और जो हम लोग नॉर्मल पीनट बटर खाते हैं पीपल फार्म वाला, उसमें क्या चीज़ का डिफरेंस है। जो ह्यूमंस के लिए जो हम बनाते हैं उसमें हम काकाओ ऐड करते हैं, और जब हम डॉग्स को पीनट बटर खिलाते हैं तो उसमें चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, तो जो डॉग्स के लिए हम स्पेशली इसीलिए बनाते हैं, पर डॉग्स वाला आप भी खा सकते हैं। हमारे पास घरों से एक गाय आई थी जिसका नाम हमने जानकी रखा था। इसके पैर पे इसका जो ये हूफ है इस पे एक मैगेट वुंड था, ये ठीक हो गई है और आज हम इसे रिलीज कर रहे हैं। जब भी हम लार्ज एनिमल्स को जो होती है रिलीज करते हैं, स्पेशली जब वो गाय होती है, तो हम कुछ खास खुश नहीं होते ना। या तो प्रेग्नेंट होंगे या एक्सीडेंट या किसी ने कुछ मार दिया, जैसे कि हमारे पास दरात वाले केसेस भी बहुत आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही है। होपफुली ये दोबारा किसी इंजरी के साथ ना आए हमारे पास। हमारे पास द्रमन से ये गाय आई है, इसको पैर पे चोट लगी है। रिंकू जी ने हमें इसके बारे में बताया था। पहले द्रमन में ट्रीट ऑन स्ट्रीट हम करने गए थे, लेकिन जब इसका घाव देखा इतना बड़ा ओपन वुंड था, तो हमको बेटर लगा कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा लें। तो उसी दिन लकीली हमने जानकी को रिलीज़ किया था शाम को, तो जगह भी बन गई और हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा लिया। बेब का हमने एक वेदर की वजह से और जिसका ट्यूमर था उसकी वजह से जो मेडिकेटेड बात हमने रुकवा दी थी वो हमने वापस से स्टार्ट की है। ये काफ़ी रिकवर दिख रहा है, पहले से इसका स्किन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और हमने इसी वीक इसकी विंक्रिस्टीन भी शुरू कर दी है जो इसके ट्यूमर की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है। आज ये हमारे जो खलनायक भाई साहब हैं ये रिलीज हो रहे हैं। ये हमारे पास खनियारा से आए थे, है ना साहिल भाई, खनियारा से आए थे ना। मेरे को लोकेशंस का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, एक साइड का सींग उसका टूट के बेंड हो गया था और अभी ये क्योंकि पूरी तरह से ठीक हो गया है, हमें और जगह चाहिए इसलिए ये रिलीज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज जानकी को हमने घरों में वापस रिलीज किया था, जब हमने उसे रिलीज किया तो साथ ही हमने वहीं से एक और रेस्क्यू हमारी टीम लेके आई है।
इसके बारे में हमें सुशील जी ने बताया था। इस डॉग को सर के ठीक ऊपर एक मैगेट वुंड है। इसको हम पहले ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर रहे थे लेकिन ये डॉग गायब हो जाता था, हम इसके एंटीबायोटिक्स रेगुलर नहीं कर पाते थे, तो अभी ये यहाँ रहेगा और जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। हमारे पास पालमपुर से एक काफ आया था आना नाम का, उसको फ्रंट लेग उसकी फ्रैक्चर थी। कल से उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो थोड़ी सुस्त है। अभी इसको फ्लूइड चढ़ा रहे हैं। इसको फीवर काफ़ी ज़्यादा है और एनीमिक भी है, हो सकता है टिक फीवर की वजह से हो। साथ ही साथ ब्लड को बढ़ाने के लिए हम इसको टॉनिक्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस काउ शेड में ना हमारे मैक्सिमम लार्ज एनिमल्स रहते हैं जो अपने रिकवरी मोड में होते हैं, और जिगर भी यहीं पे रहता था, उसको भी टिक फीवर था, अनिमिक भी था वो, उसको होस्ट पे भी रखा था हमने पर वो बच नहीं पाया। आना और जो बाकी गाय काफ सारे एक साथ ही रहते हैं यहाँ पे, तो आना को भी ऐसा हो सकता है कि जिगर की वजह से इसको भी फीवर आ गया है। हिचकी के साथ भी सेम हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इसको भी टिक फीवर है और साथ में इसको भी फ्लूइड्स चल रहे हैं, ये भी बहुत वीक हो गया है। उल्लू जो एक किटन था हमारे पास, वो कांगड़ा से आया था, बहुत छोटा था जब वो यहाँ पे आया था, बिन माँ का बच्चा था वो। कुछ समय गरिमा उसे फॉस्टर कर रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल उल्लू की डेथ हो गई। इसको निमोनिया हो गया था जिसकी वजह से उसको रिस्पिरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, गर्म रखने के लिए उसको डोर के पास रखा था और साथ ही साथ हमने उसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी लगाया था, पर उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ा जिसके वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। कुछ दिन पहले हमारी टीम धर्मशाला गई थी दो एनिमल्स का रेस्क्यू करने। एक गाय थी जो खड़ में गिर गई थी, एक हॉर्स था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बेचारे की पीछे की टांग कट गई थी। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो अनफॉर्चुनेटली हॉर्स की डेथ हो चुकी थी और जो गाय थी उसको पहले ही निकाल लिया गया था। जब हमारी टीम वापस लौट रही थी तो अचानक उन्हें फोन आता है विदित जी का, जिन्होंने इस पपी के बारे में हमारी टीम को बताया। इसका सिर्फ हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट एक दिन करने वाले थे क्योंकि धर्मशाला हमसे बहुत ज्यादा हमारे लोकेशन से दूर पड़ता है, लेकिन वहां जाके पता चला कि पीछे का जो इसका पैर है हाइंड लेग, उसमें अपर थाई में इसको फ्रैक्चर है। डिसाइड किया कि हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, लेकर आए पालमपुर भेजा, तो वहाँ पे इसका एक्सरे वगैरह हुआ सब। अब बस उन्होंने हमें इसकी सर्जरी की डेट देनी है। हमारे ऑफिसेस पे, हमारे किचन पे और रूम्स के ऊपर भी इस तरह से पेंटिंग्स हुई हुई हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, तितलियों की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पेंटिंग्स की स्टोरी जानने में तो आप मुझे इस अपडेट के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट अपडेट में मैं उसे भी इंक्लूड करूँगी। ये प्यारा सा बच्चा है और इसका नाम तमाशा है और ये हमारे पास मैक्लोडगंज से आया था। टेंजिन जी ने इसके बारे में हमें बताया था, या तो ये नीचे गिरा होगा या इसका एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से इसको यहाँ पे वुंड हो गया था, इसके सींग के ऊपर। बैक पे भी इसके काफ़ी वुंड्स थे, साथ ही में इसका बेचारे का एक हील फ्रैक्चर भी है। ये पूरी तरह से ठीक है, आज ये फाइनली रिलीज हो रहा है अपने ही एरिया में। मैं अभी हूँ लूसी के कैनल में। ये इतनी प्यारी है, ये देखो। लेकिन सैड बात ये कि कोई इसको अडॉप्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा है और ये बहुत दुख की बात है। इतनी सुंदर बच्ची है ये, इतनी हैंडी सी है, ये किसी के भी घर में समा सकती है। ये जब यहाँ पे आई थी तो हम इसे लाए तो स्पेस नर्सरी के लिए थे, जब लेकर आए तो हमें पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो इसके बेबीज हुए जिनका नाम हमने बीटल्स रखा, वो अडॉप्ट भी हो गए लेकिन लूसी यहीं पे रह गई, ये अडॉप्ट भी नहीं हुई है क्योंकि हमारे पास बहुत स्पेस क्रंच चल रहा है। बहुत सारे ऐसे रेस्क्यूज हैं जो अभी होल्ड में हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको हम रिलीज़ कर पाएँ ताकि नए रेस्क्यूज ला पाए। और इस वजह से हम प्लान कर रहे हैं कि दो तीन दिन में हम लूसी को रिलीज़ कर देंगे, पर हम ऐसा चाहते नहीं है कि ये ऐसे ही रिलीज हो जाए, हम चाहते हैं कि ये किसी अच्छे घर में जाए, इसको प्यार मिले। तो अगर आपको लगता है कि दो तीन दिन में आप इसको अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी अडॉप्शन लाइन पे कॉल कीजिए। थैंक यू।